होलाष्टक आज से शुरू न करें ये काम। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा पर ग्रहों की स्थिति रहेगी खास। होली 2019 कुलन हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का दहन 20 मार्च बुधवार को ही किया जाएगा और 21 मार्च को लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली का त्योहार मनाएंगे। होली का त्योहार हर साल फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन होलिका जलाई जाती है। इससे अगले दिन गुलाल लगाकर होली खेलने की परंपरा है। इसमें लोग प्यार से आपस में गुलाल लगाते हैं। वहीं इससे 8 दिन पहले यानी 14 से 21 तक रहेंगे होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है। होली के पहले 8 दिनों का समय होलाष्टक कहलाता है। होली पर्व के आने की सूचना होलाष्टक से प्राप्त होती है। होलाष्टक को होली पर्व की सूचना लेकर आने वाला एक माध्यम कहा जा सकता है। इन दिनों में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक भी खत्म हो जाता है। इस साल होली पर ग्रह नक्षत्र विशेष स्थिति में रहेंगे, इसलिए ज्योतिषीय नजरिए से ये त्योहार और भी खास रहेगा। होली की एक पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हो जाए, परंतु शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। तब कामदेव पार्वती की सहायता के लिए आए। उन्होंने प्रेम बाण डलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। कामदेव का शरीर उनके क्रोध की ज्वाला में भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती को देखा, जिससे पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव ने उन्हें अपनी पई के रूप में स्वीकार कर लिया। इसीलिए पुराने समय से होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर अपने सच्चे प्रेम का विजय उत्सव मनाया जाता है। जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था वह दिन फाल्गुन शुक्ल अष्टमी थी, तभी से होलाष्टक की प्रथा आरंभ हुई। होलाष्टक मुख्य रूप से पंजाब और उत्तरी भारत में मनाया जाता है। होलाष्टक के दिन से एक ओर जहां उपरोक्त कार्यों का प्रारंभ होता है, वहीं कुछ काम ऐसे भी जहां कुछ कामों को नहीं किया जाता है। यह निषेधावधि होलाष्टक शुरू से होली के दिन तक रहती है। होलाष्टक के मध्य दिनों में 16 संस्कारों में से किसी भी संस्कार को नहीं किया जाता है। यहां तक कि अंतिम संस्कार करने से पूर्व भी शांति कार्य किए जाते हैं। होली पर बन रही है ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति। इस साल होली पर ग्रहों विशेष स्थिति बनने से ये त्योहार ज्योतिषीय नजरिए से और भी खास रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा। होली पर सूर्य मीन राशि में रहेगा, जो कि बृहस्पति की राशि है। बुधवार ग्रह कुंभ में यानी शनि की राशि में रहेगा। बृहस्पति वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुक्रवार मकर राशि में और शनि धनु राशि में रहेगा। इनके अलावा राहु केतु मिथुन और धनु राशि में रहेंगे। होली पर ग्रहों का ये योग कुछ राशियों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस बार बुधवार की होली होने से व्यापारियों के लिए लाभदायक रहेगी। इसके साथ ही आय में वृद्धि होने के भी योग बन रहे हैं।